देखिए, प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान के जरिए बिहार की राजनीति में प्रवेश किए थे और अब वो जन सुराज पार्टी बनाने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को इसकी लॉन्चिंग, और जिस तरह से वो घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उस तरह से पदयात्रा अभी कोई नहीं कर रहा है। देखिए, ये एक पहले से ये डाटा एनालिसिस्ट रहे हैं और चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। 2025 के चुनाव में फिर एक बार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ये दावा कर रहे हैं कि सरकार जन सुराज के ही समर्थन से बनेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जन सुराज के सूत्रधार और राजनीतिक सलाहकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की एंट्री अब बिहार की राजनीति में पूरे तरीके से हो चुकी है। जो गठबंधन है उनकी टेंशन प्रशांत किशोर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर के आयोजन में देखिए भीड़ लगते हैं, या तो मैं महिलाओं की बात करूँ या तो पुरुषों की बात करूँ, जो भीड़ प्रशांत किशोर के सम्मेलन में दिखता है वो कहीं ना कहीं अब गठबंधन की टेंशन बढ़ाता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने तो तक की टेंशन बढ़ा दी थी कि आरजेडी को लेटर निकालना पड़ा था कि अपने कार्यकर्ताओं को ये बोलने के लिए कि प्लीज उनकी पार्टी में मत जाइए। देखिए, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और भी बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भोलानाथ सर हैं, सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि आप अभी सीनियर जर्नलिस्ट है, बिहार की राजनीति को परख रहे हैं, तो सर ये पहले प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति? देखिए, प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान के जरिए बिहार की राजनीति में प्रवेश किए थे और अब वो जन सुराज पार्टी बनाने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को इसकी लॉन्चिंग है, तो 2 अक्टूबर लॉन्चिंग के साथ ही इनका संगठनात्मक ढांचा जो है, जो किसी भी पार्टी का एक बेस बना जाता है, तो संगठनात्मक ढांचा खड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये एक तरह से कहा जाएगा कि बिहार की राजनीति में इनका विधिवत प्रवेश हो जाएगा। तो अभी जो है, अभी ही जो उनकी जो उनके जो बयान लगातार आ रहे, वो आप ठीक कह रही हैं कि दोनों गठबंधनों के लिए एक तरह से चुनौतीपूर्ण रहते हैं उनके बयान। और जिस तरह से वो घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उस तरह से पदयात्रा अभी कोई नहीं कर रहा है। ज़्यादा पूरी रिसर्च के साथ चलते हैं कि ये इतने सालों में इतना काम हुआ, इतने सालों में इतना घोटाला हुआ, तो इसको देखिए, ये एक पहले से ये डाटा एनालिसिस्ट रहे हैं और चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, तो चुनावी रणनीतिकार के लिए ये डाटा एनालिसिस्ट और डाटा तैयार करना, बना जुटाना और उसका विश्लेषण करना, ये एक पहली शर्त होती है। तो उसके आधार पर अभी इनका आ भी रहा है कि हम 2025 के चुनाव में फिर एक बार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ये दावा कर रहे हैं कि सरकार जन सुराज के ही समर्थन से बनेगी या जन सुराज की बनेगी। तो वो एक अलग बात है कि वो किस तरह से किस तरह से वो आ रहे हैं सियासी मैदान में। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों गठबंधनों के लिए जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं और अपनी यात्राएं शुरू किए हुए हैं, तो वो आप गौर कीजिएगा कि नीतीश जी एक समय बहुत सारी यात्राएं शुरू की है, विश्वास यात्रा, सब बहुत तरह की यात्रा, अधिकार यात्रा, सब तरह की यात्राएं शुरू की है। लेकिन अभी वो एक तरह से नहीं कर रहे हैं कोई यात्रा। तेजस्वी की एक यात्रा शुरू होने वाली है, तो ये माना जा रहा है कि जो आधार वोट है राजद का, मुस्लिम और यादव, MY समीकरण का जो एक आधार वोट है यादव के पास, तो उसमें मुस्लिम को जो है वो प्रशांत किशोर ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि जो यही वजह थी कि जब इसकी भनक लगी राजद नेतृत्व को, तो जगदानंद सिंह को पत्र जारी करके और लोगों को इसके लिए सचेत करना पड़ा, मत जाइए उनके, हाँ कि मत जाइए। लेकिन अगर आप फिर एक बार गौर करें तो अभी हाल में 3-4 दिन पहले उन्होंने बाबू सभागार में एक सम्मेलन किया, तो राजद की बेचैनी इस हद तक बढ़ी हुई है कि उसी दिन पैरेलल एक धरना दिया गया तेजस्वी यादव के, दिवसीय धरना, हाँ तेजस्वी यादव के, तो जातीय जनगणना को लेकर के। तो उसके लिए एक बात ये आई कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव राजद नेतृत्व तो हिला हुआ है, कि इस तरह अगर जो राजद का एक मेन जो बेस वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसमें कहीं प्रशांत किशोर डेंट ना मार दें, तो इसी वजह से जो है ये चल रहा। मुस्लिम आबादी बिहार में 17% है, और 17% के हिसाब से आप देखें तो सबसे एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जो कि जीत हार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि राजद जो है कहीं ना कहीं परेशान है। ये मुस्लिम वोट बैंक से NDA को बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि उसको जितना आ जाए आ जाए, नहीं तो भाजपा के रहते हुए मुस्लिम उसको बहुत तवज्जो देंगे, ये कहना
बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन राजद के लिए तो वो जीवन मरण का सवाल है। यही एक सवाल पूछूंगी, MY समीकरण पे तो प्रशांत किशोर हार डाल रहे हैं, जदयू में भी जो है वो एक सेंधमारी कर रहे हैं, महिलाओं का बहुत बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है, अब उस पर भी सेंधमारी कर रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं का जमावड़ा दिखता है उनके सम्मेलन में। देखिए खुशी जी, मैं थोड़ा सा उसको पूरा कर लूँ जो अभी मुस्लिम वाली बात आ रही थी। मुस्लिम के लिए प्रशांत किशोर ने पहले 75 सीटों की घोषणा की थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में 75 उम्मीदवार जनसुराज से खड़ा करेंगे, अब उनकी संख्या जो है वो घट करके 40 पर आ गई है। लेकिन ये वो ज़रूर कह रहे हैं कि जो नेतृत्व टीम होगी, जो कोर टीम होगी जनसुराज के नेतृत्व की, उसमें 5 मुस्लिम भी होंगे। तो ये एक उनका जो है मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम जमात को, मुस्लिम नेताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक बड़ी रणनीति मानी जा सकती है। रही बात जो आप बता रही हैं कि मुस्लिम या महिलाओं को जो अपने साथ जोड़ने की, तो मुस्लिम महिलाएं जो है बिहार में, ठीक बात है कि एक मतलब फोर्स हैं और नीतीश कुमार से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, चूँकि शराबबंदी के बाद ये था कि महिलाओं के लिए थोड़ी सुविधाजनक स्थिति रही है, घरेलू हिंसा से उनका बचाव हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति अब दूसरी तरफ टर्न ले रही है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम अगर आए तो 12 घंटे के अंदर शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। इसका कारण यह है कि शराबबंदी का अब जो है वो जितना फ़ायदा पहले था उससे ज़्यादा अब नुकसान हो रहा है। और सर ये भी बोलते हैं कि हम इस बार जो छठ में आएगा घर, उसको घर वापस नहीं, पलायन के लिए वापस दूर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। देखिए बिहार में रोज़गार की स्थिति बहुत ही ख़राब है, लोगों को रोज़गार की स्थिति बहुत ही ख़राब है और लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा, यही कारण है कि वो पलायन करते हैं, बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में पलायन करते हैं। वो छठ में आते हैं घर और फिर उनको कमाने के लिए जाना पड़ता है। प्रशांत किशोर उसी नब्ज पर चोट कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए, हमारी सरकार आई, तो हम लोगों को पलायन नहीं करने देंगे, उनको यहीं पर रोज़गार के उतने साधन मुहैया कराएंगे कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो इस बात को लेकर के आप देखिए कि जैसे कोरोना काल में बिहार की ये कठोर सच्चाई सामने आई थी कि लोग किस तरह से उस समय जब उनको नौकरियों से हटा दिया गया था, रोज़गार छीन लिया गया था, तो हजारों लाखों की तादाद में लोग पैदल और गाड़ी से, साइकिल से कैसे कैसे लोग आए थे। तो ये कहने के बिहार की एक टीस है, एक पीड़ा है जो यहाँ के लोगों के लिए मजबूरी है कि वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं। उन कारण यह है कि यहाँ पर उस तरह के रोज़गार के साधन नहीं है। तो वो उस मर्म पर भी प्रशांत किशोर जो है चोट कर रहे हैं कि हम इस बार नहीं आने देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको बिहार में सही मायने में सरकार चाहिए तो आप जो है राजद और अभी जो जितने लोगों को मौका दिए हैं लालू नीतीश, इन लोगों को दे करके आप क्या किए, आपके बच्चे तो वही हैं। सर आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ऐसे बोलते हैं कि टीम बी है बीजेपी की और कठपुतली है बीजेपी के हाथों की, इसको कैसे देखिए? एक ये चर्चा तो है कि प्रशांत किशोर के जो अभियान जो चल रहा है उसमें जो खर्च है वो बहुत भारी खर्च है और ये सब लोगों को आकर्षित कर रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो खर्च आ कहाँ रहा है, कहाँ से रहा है। तो अगर खर्च आ रहा है, लाखों के खर्च एक दिन में हो रहा है ऐसा माना जा रहा है, तो वो खर्च जो है अगर कहाँ से आ रहा है इसका सोर्स किसी को नहीं पता चल रहा है। तो अगर आप देखें कि सरकारी एजेंसी जो है, केंद्र सरकार की एजेंसी इनकम टैक्स है, उसका भी कोई ध्यान नहीं है कि भाई इतना पैसा खर्च हो रहा है तो खर्च कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में कोई उनसे हिसाब किताब पूछें कि भाई आप कहाँ से ला रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कोई आय व्यय का लेखा जोखा कोई ब्यौरा है आपके पास? तो अगर ये चीज़ नहीं पूछा जा रहा है तो इसके पीछे एक लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं उनको सत्ता का संरक्षण हासिल है। तो इस वजह से इस तरह की कोई पूछताछ नहीं हो रही है। तो इसी को आधार बना करके लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। आप चुनाव में देख लीजिएगा कि अगर अभी तक की जो इनकी राजनीति है उससे अगर ज़्यादा नुकसान होगा तो महागठबंधन को होगा। ये भी एक कारण है कि लोगों का कहना है कि वो भाजपा की बी टीम है। तो अगर सत्ता संरक्षण के सत्ता के इशारे पर अगर वो कोई कवायद कर रहे हैं, देखिए उनके पास अभी भी एक वार रूम काम कर रहा है जिसमें 150 से 200 लोग हैं, उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना पूरे उनके इवेंट को संचालित कर रहे हैं, तो ये सारा खर्च कहाँ से आ रहा है? तो बोलते भी है कि पैसा देके बुलाते हैं। हाँ, तो ये उनके पास कोई मतलब कार्यकर्ता का अभी तो नहीं है क्योंकि संगठनात्मक ढांचा ही नहीं खड़ा है, हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी उनसे जुड़े हुए हैं वो बाकायदा उनको वेतन ये सब दिया जाता है, तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको लेकर के सवाल उठ रहा है।
चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भोलानाथ सर थे। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, प्रशांत किशोर कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी हमने बात की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।